इंडियन एयरफोर्स ने 36 रफाल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं। इस जेट के नाम का हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका नाम राफेल नहीं रफाल है, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है गस्ट ऑफ वाइंड, यानी आंधी का झोंका। तो आज ही इसका सही नाम रफाल ही बोलना है, ना कि राफेल। तो आज हम रफाल फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। इसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यह एक ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। साथ ही यह एरियल रिकॉनाइसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, एयर सुप्रीमेसी, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अगर बात इसकी डेवलपमेंट की करें तो 1970 में फ्रांस अपनी एयरफोर्स और नेवी के पुराने पटरे एयरक्राफ्ट को बदलना चाहता था। ऐसे में इन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट को चाहिए था जो दोनों एयरफोर्स और नेवी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए पहले फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली के साथ जॉइंट वेंचर पर एग्रीमेंट किया, जो बाद में यूरोफाइटर टाइफून बना। पर सही टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के चलते फ्रांस ने खुद को इस एग्रीमेंट से पीछे कर लिया। परंतु फ्रांस को तो एक नया फाइटर जेट चाहिए था। इसका जिम्मा डसॉल्ट एविएशन को दिया गया। इंजन का काम सैफ्रन को दिया गया और वेपन का काम MBDA को दिया गया। और कई नई टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट वॉइस इनपुट, RBE2AAAS रडार, IRST सिस्टम यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर वोकेल रफाल के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1986 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया और 2001 में इसे फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। 2019 तक इसके 201 यूनिट बनाए जा चुके थे। अब 36 यूनिट इंडिया के लिए और कतर के लिए भी बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह नंबर और भी बढ़ गया है। करंटली फ्रांस, इजिप्ट, कतर और इंडिया रफाल को ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यह एक ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मीडियम वेट फाइटर जेट है। इसे ऑपरेट करने के लिए एक या दो क्रू की जरूरत होती है। इसकी लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.9 मीटर, हाइट 5.34 मीटर है और विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर है। एम्प्टी वेट की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है, वहीं ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम। यह 24,500 किलोग्राम के मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। बात इसकी फ्यूल कैपेसिटी की करें तो यह 4700 किलोग्राम फ्यूल लेकर उड़ान भर सकता है और इसमें 5 एडिशनल ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं, जिसके चलते इसकी रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात इसके इंजन की करें तो इसे पावर देने के लिए दो स्नेगमा M88 4E टर्बोफैन इंजन को यूज किया जाता है। इसमें हर इंजन आफ्टर बर्नर को यूज करके 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पर यह 1.8 मैक और वहीं लो एल्टीट्यूड पर यह 1.1 मैक की स्पीड पर चल सकता है। यह 1.4 मैक की स्पीड पर सुपर क्रूज कर सकते हैं। अगर कॉम्पैक्ट रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है 3 ड्रॉप टैंक के सहारे, वहीं इसकी फेरी रेंज 3100 किलोमीटर है 3 ड्रॉप टैंक के सहारे। इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो यह 15,835 मीटर निकल कर सामने आती है और जीलमेट की बात करें तो -3.6 से +9 तक का ग्रेविटेशनल फोर्स को यह सह सकता है और इमरजेंसी में तो यह +11G तक बढ़ जाती है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो यह 304.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एल्टीट्यूड को अचीव कर सकता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो यह 0.98 रेशियो सामने आता है। बात इसके हार्ड पॉइंट की करें तो इसमें मैक्सिमम 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी 9,500 किलोग्राम है। मिसाइल की बात करें तो यह एयर टू एयर के लिए मैजिक 2, माइका, मीटियोर जैसी खतरनाक मिसाइल को कैरी करता है। एयर टू ग्राउंड के लिए अपाचे मिसाइल, हेलीकॉप्टर नहीं अपाचे मिसाइल, स्कैल्प, हैमर और AS-30L मिसाइल को कैरी करता है। वहीं एयर टू सरफेस के लिए यह AM-39 और न्यूक्लियर मिसाइल के लिए हैं ASMPA मिसाइल को कैरी करता है। साथ ही थेल्स का डेमोसेल टारगेटिंग पोर्ट, थेल्स का
TALIOS मल्टीफंक्शन टारगेटिंग पोड बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग पोड को भी कैरी करता है। अवियोनिक्स की बात करें तो इसमें RBE2AA AES रडार को यूज किया गया है जिसकी रेंज 16 नॉटिकल माइल्स बताई जाती है। साथ ही इसमें थेल्स का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को यूज किया जाता है। इसी के साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम भी लगाया गया है। तो यह थी जानकारी राफेल के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।